फोटो खाली चिराग पासवान जिंदाबाद चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। कल केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को अपनी ही जाति के लोगों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल वो मुकामा में पहुंचे थे बाबा चौहरमल महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वहां पर लोगों ने उन्हें देखा उनके विरोध में नारे लगाने लगे। वहीं उन्हीं के पार्टी के प्रिंस राज जब वहां पर पहुंचे तो लोग चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। देखते ही देखते भीड़ ने आक्रामक रूप ले लिया और पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद किसी तरीके से पुलिस की सुरक्षा के बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार को वहां से बाहर निकाला गया। पहले देखिए आप ये तस्वीरें। फोटो खाली चिराग पासवान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संघर्ष करो, कल के दिन में अरे भाई है बलिदान है, कल के दिन में एक हो जाएंगे। आप लोगों से आग्रह है ऐसा फिर मत कीजिए, मैं फिर मार के ला देता है। आप लोग आवाज करो, जो भी बनेगा हम लोगों का हिंसा नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा, हम लोगों का जाति पशुपति कुमार पारस मुकामा के पास घुसवारी के 4D में बाबा चौहरमल महोत्सव में शिरकत करने गए थे। वहां उनके खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। लोगों के भीषण आक्रोश के बीच पारस को पुलिस सुरक्षा में वहां से जैसे तैसे निकलना पड़ा।
स्थानीय लोगों के मुताबिक ये घटना कल शाम की है। मोकामा के टाल इलाके में चारडीह गांव है, जहां पर पासवान जाति के आराध्य देव चौहरमल का मंदिर है। कल वहां 3 दिनों के चौहरमल जयंती की शुरुआत हुई है। पशुपति कुमार पारस उसी कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। पारस ने चौहरमल मंदिर में जाकर पूजा की, लेकिन उनके बाहर निकलते ही हंगामा शुरू हो गया। चौहरमल मंदिर के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पारस के मंदिर से बाहर निकलते ही चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने पशुपति पारस की गाड़ी को रोकना चाहा, लेकिन पारस काफी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे थे। उनके साथ मौजूद पुलिस कर्मियों ने नारेबाजी और घेराव कर रहे लोगों को हटाना चाहा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लोगों का आक्रोश और भड़क गया। लोगों ने पारस की गाड़ी को घेर लिया और इस बीच कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। लोगों ने पशुपति पारस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने जैसे तैसे केंद्रीय मंत्री को बाहर निकाला। पारस के काफिले में गई कई दूसरी गाड़ियों को भी भीड़ ने घेर लिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उन गाड़ियों को बाहर निकाला। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ही पशुपति कुमार पारस वहां से बाहर निकल पाए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का आक्रोश था वहां पर उन्हें देख करके वो साफ तौर पर जाहिर था। इसके साथ ही प्रिंस राज भी जब वहां पर पहुंचे तो लोगों ने चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। भीड़ काफी आक्रोश में थी। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान के साथ जो पशुपति कुमार पारस ने और उनकी पार्टी ने किया, उसकी वजह से पासवान जाति के लोगों में काफी आक्रोश है, काफी नाराज है वो पशुपति कुमार पारस से कि अपने भतीजे का साथ उन्होंने मुश्किल घड़ी में छोड़ दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।